सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अतिथि शिक्षक ने अन्न जल त्यागा, बिगड़ी तबीयत, सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं माने तो होगा उग्र आंदोलन। और भोपाल 10 फरवरी राजधानी में पिछले 50 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। और पिछले 2 दिन से अन्न जल त्यागने के कारण अतिथि शिक्षक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार की सोमवार को तबीयत काफी खराब हो गई, जिसके बाद भी वे अस्पताल में जाने को तैयार नहीं थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जबरन जेपी अस्पताल में भर्ती कराया। अतिथि शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी अतिथि शिक्षक अन्न जल त्याग कर आंदोलन करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता जगदीश शास्त्री ने कहा है कि सरकार अपनी संवैधानिक पराकाष्ठा की सीमा को पार कर रही है। आपको बताना चाहते हैं, 50 दिनों से मौसम की मार के बाद भी डटे रहे रण में, और मोर्चा के पीडी खैरवार ने बताया कि मौसम की विगत 50 दिनों से अतिथि शिक्षक ने सरकार से अपना हक मांगने के लिए प्रकृति प्रकोप भी झेला है, जिसमें भयंकर सर्दी और कड़कड़ाती ठंड, ओस की बूंदों तथा दोस्तों शीतलहर के बीच भी अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर रण में डटे हुए हैं। अब आंदोलन के दिनों में शतक पूरा हो गया, इसके बाद भी सरकार बेरुखी कम नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों का वचन अतिथि शिक्षकों के लिए प्रवचन साबित हो रहा है। और धमकी देकर अस्पताल में कराया भर्ती दोस्तों, अतिथि शिक्षक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार का कठोर निर्णय लिया, जब तक सरकार अतिथियों का नियमितीकरण नहीं करेगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन उनकी बिगड़ती हालत पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए परिहार को हॉस्पिटल में भर्ती कराने का दबाव बनाया। साथ ही यह भी कहा कि यदि भर्ती नहीं कराए गए तो आंदोलनरत अतिथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। 108 एम्बुलेंस को पुलिस प्रशासन ने बुलाया और दबाव बनाकर परिहार को 1250 हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और इसी बीच प्रदेश प्रवक्ता जगदीश शास्त्री और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दोस्तों बताना चाहते हैं, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय 14 वर्षों से काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, निराश हैं, और क्योंकि निराश इसलिए हैं कि उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं और सरकार से आश्वासन लगाए हुए हैं, आशा करे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बहुत कम है, लेकिन लगातार प्रयासरत मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हम सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।